बहुत सारे नए गाने होंगे गुजराती, स्पेशली माता जी के गरबे, कुछ दाखला, कुछ कृष्ण के रास और कुछ हिंदी फिल्म के इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स रहेंगे, कुछ इंग्लिश गाने भी रहेंगे शायद। नयापन तो नया नए रिदम हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन ऑफकोर्स हमारे जो खेलने वाले इतने सालों से आ रहे हैं उनके खेलने में जो है डिस्टर्बेंस ना आए, उनका खेलना कहीं रुके नहीं, वो हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ऐसे रिदम पैटर्न्स इन्वॉल्व करते हैं हर साल। और संतोष जी दोनों जगह से जाना चाहेंगे, यहाँ पे जो भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है, सिक्योरिटी की बातें होती, कितनी तैयारियाँ की गई हैं उस सबको लेकर? सिक्योरिटी व्यवस्था से हमने 3 महीने से प्लान किया है, मुंबई की टॉप जी फोरेस्ट कंपनी है, सहारा कंपनी है, 20 से 3 किलो हमने अलग किया है, 20 ट्रैफिक की व्यवस्था देखी गई, ऑन ग्राउंड व्यवस्था पूरा अपने सहारा कंपनी देखी गई और गेट मैनेजमेंट हमने एरिया पर 200 से ज़्यादा कंपनी अपॉइंट की व्यवस्था की। लास्ट में हमने 10 से 12 लाख रुपया कैंसर के लिए दिए थे, नॉट ओनली कैंसर, हमने हमारी संस्था के माध्यम से 30 से 35 बच्चों लोग जो जैसे स्कूल का रिजल्ट निकलता है तो बच्चों लोग फीस इकट्ठा होते हैं, तो गोपाल सर सर के माध्यम से हम लोग गोपाल का जो जो लोग आते हैं उनको वहाँ से चेक किया जाता है। सर टाइम बढ़ाने के लिए सर सरकार से कुछ अनुरोध करेंगे, मांग है कि 4 दिन किया जाए इस बार? निश्चित करेंगे और करेंगे ही नहीं तो प्रयास करेंगे मिले इसलिए, लेकिन मैं लोगों से इस बात का अपील भी करूँगा कि जैसे मोदी जी 9 दिन का उपवास करते हैं, सिर्फ पानी पी के वो 9 दिन नवरात्र का इतने लंबे समय से परंपरा को उन्होंने कायम रखा है, तो डांडिया के लिए भी थोड़ा समय निकाल कर 9 बजे ना आते हुए 8 बजे आएंगे, 7 का 6 का भले समय है, तो 2 घंटा एन्जॉयमेंट बहुत होता है और बाकी 4 दिन तो मिलता ही है 12 बजे तक, तो थोड़ा लोग भी जल्दी आए बच्चों को लेकर, जिनको समय नहीं होगा काम पे से देरी से आते होंगे तो घर परिवार के लोगों को थोड़ा जल्दी भेजने का स्वभाव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो हम सरकार के पीछे पड़ेंगे, सरकार अगर समझो कोई कारण से नहीं होता है तो इस कल्चर को हमने खोना नहीं चाहिए, इस कल्चर में जरा भी गिरावट ना आए उसका हमने ख्याल रखना चाहिए। निश्चित मेट्रो रेल का टाइमिंग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें कोई ना कोई बदलाव आए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। सर कंपटीशन को लेकर कहीं ना संगीत की जब बात आती है, किसके कंपटीशन को लेकर कहीं ना कहीं संगीत की बात जब आती है तो सर सभी लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा ग्राउंड और बड़ा ग्राउंड मिले, तो इस पर आपकी क्या राय है? बोरीवली में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है तो ग्राउंड की कोई कमियाँ नहीं है, लेकिन जो भी ग्राउंड में जो भी लोग कार्यक्रम करेंगे वो अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें, ये हमारा मेरा रिक्वेस्ट अपील रहेगा लोगों को, और कंपटीशन ये प्रगति का निशानी ऐसा मैं मानता हूँ, अगर कंपटीशन नहीं होता तो फाल्गुनी बहन का ये ब्रांड बनता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ में कंपटीशन करके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, और कंपटीशन पॉजिटिव एंगल से होना चाहिए, और कंपटीशन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको गिराने के लिए नहीं होना चाहिए, तो इससे मैं बेहतर कैसा करूँ, इससे मैं अच्छा कैसा करूँ, इसके लिए कंपटीशन होता है तो उसका वेलकम एक सांसद के नाते मैं जरूर करूँ। क्या ग्राउंड के लिए भी कंपटीशन होता है सर? अभी तक बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि ग्राउंड बहुत है बोरेली में, अब समझो फॉर एग्जाम्पल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है, 10 एकड़ का ग्राउंड है, उसमें से 8 एकड़ तो खाली पड़ा रहता है, तो वहाँ पर भी अगर होता है तो कुछ भी उसमें बुराई नहीं है, ग्राउंड बहुत है बोरेली में। फाल्गुनी जी इस बार किंजल दवे के बाद गीता रबारी जी गुजरात की जो फोक गायिका है उन्हीं मुंबई में परफॉर्म कर रही हैं, कितना इसे आप कंपटीशन देखती हैं नए सिंगरों के लिए? मैंने पहले भी कहा हम लोग कंपटीशन के बारे में कभी सोचा नहीं, जब से शुरुआत की है तो मेरी कंपटीशन हमारी कंपटीशन हमारे खुद से ही है कि हम लोग का लास्ट ईयर कैसा था और इस साल हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कैसा कर सकते हैं, दैट्स इट। गोपाल सर अगली बार आपने एक अपने क्षेत्र में गरबा फ्री रखा था जिसका पैसे नहीं थे, वो गरबा फ्री करके रखते थे, इस बार क्या रहेगा आपके क्षेत्र में? जानकारी के लिए
मेरे इतने लंबे करियर में मैंने कभी कोई गरबा या तो इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया, लेकिन जो करते हैं उनको पूरा मदद हमेशा किया। जैसे मैंने गणेश नायडू का नाम लिया तो पहले दिन से अभी तक और आगे भी मैं जाता रहूँगा, जो भी करते हैं उनको मदद करने का काम मैं करता हूँ। और संतोष के इस गरबा में भी मेरा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उल्टा मैंने कहा ना कि वो जो भी करता है उसको पूरा सपोर्ट देकर स्कूल के बच्चों के लिए वो चेक एडवांस में ला के देता है, तो मैं बांटने का काम करता हूँ। कैंसर पेशेंट लोगों के लिए भी चेक ला कर देता है तो उसको बांटने का काम करता हूँ। इतना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें, बाकी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियली डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिल्कुल नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। हमारी टीम उनके लिए पुलिस जो भी करती है ऑन करती है।